आज बन गए हम विलेज ब्लॉगर। ये वाला ब्लॉग तो अपना फेवरेट होने वाला है, क्योंकि हमने जो जो देखा आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। हम तीन हो गए। अरे पीछे वाला बंदा कहाँ पे है? इसका मुंडी दिखाना चाहिए। हाँ दिख रहा है अभी, अच्छा दिख रहा है। अब आप करने वाले? अभी कॉर्नर करने वाले, अभी ब्रेक नहीं है, आगे भी नहीं है। गाइस कैसे हैं आप लोग? तो फिर मैं पहुंच चुका हूँ अपने उस जगह पे जहाँ से मैंने शुरुआत किया था। आज हम महाराष्ट्र के एक जगह पे हैं। ये वाला जगह मतलब इतना सुंदर है, क्या अभी बोलूँ। अभी देखो यहाँ पे अभी थोड़ा कुछ नेचर पे जो रहते हैं, मतलब फ्रूट वगैरह, फ्रूट तो नहीं, अभी वो जो अपना मूँगफली बोलते हैं ना एग्जाम्पल के लिए, अपने आसाम पे ज़्यादातर होता नहीं है, क्योंकि अभी ये खाने के लिए आ गया। जो इसका पेड़ मैंने पहले से उगा दिया है। अभी देखो हम लोग जब जिसको बादाम बोलते हैं ना, वो ऐसा रहता है यहाँ पे। अभी उसी का अभी तो थोड़ा सेवन करने वाले हैं। सेवन तो वाह, क्या प्योर शब्द बोल दिया मैंने आज। अभी देखो कच्चे बादाम कैसे रहते हैं। तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा कच्चे बादाम। अभी इसको जाके पकाना पड़ता है। हम लोग बादाम बोलते हैं पर यहाँ पे मूँगफली। अभी इसको कुछ नहीं करने का, कच्चा कच्चा खाने का। ये ओरिजिनल प्योर वाला 100% ऑर्गेनिक वाला। हाँ अभी हम लोग इस साइड से आए हैं। वो भैया का घर में कल घूमने के लिए, हम लोग भैया के घर के घर में घूमने के लिए आए थे, तो उसकी वजह से इधर आना पड़ा। और आप लोग का थोड़ा लाइन रुके, आप लोग को नज़ारा दे। राहुल भाई देगा उड़ उड़ के। गाइस देखो, ये देखो मूंगफली, ये देखिए, हाँ ये बड़ा वाला है। गाइस आप लोग आओ, आप लोग को व्यूज दिखा रहे हैं। सबसे अच्छा तो ये है, देखो ये जो मोर का पंख वगैरह रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोर मिलते हैं, और मोर और मोरनिया, उन लोगों का पंख देखिए कितना लंबा लंबा। ओए अच्छा वाला मिला, रुके। हाँ ये वाला देख पा रहे हो यहाँ पे कितना कलरफुल मोर हो, क्योंकि यहाँ पे मतलब जंगली जानवर और पशु पक्षी मतलब ज़्यादातर रहते हैं। और जो और एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला अपना जो जंगली सुअर जो रहता है ना, जंगली सुअर यहाँ पे बहुत मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मूँगफली वगैरह उन लोगों को खा के मतलब पूरा खेती का सत्यानाश कर देते हैं, ऐसे वैसा रहता है। अभी देखो बहुत अच्छा लगा, इसको लेके जाता हूँ। अभी थोड़ा आगे तक जाने वाला हूँ वहाँ तक, उसके बाद मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। ओ चिक्कू का पैर भी इधर ही, इधर आना, इधर आना। गाइस ये वाला फल खाया है कि नहीं? ये बहुत ही मीठा रहता है, अभी पका है कि नहीं मालूम नहीं। अपन तो तोड़ दिया अभी इसको, अभी कच्चा है कि मालूम नहीं। एक ही तो कच्चा लग रहा है मुझे, कच्चा है ना थोड़ा? कच्चा खा सकते कि नहीं इसको? हाँ पका नहीं खा पाएगा क्या? नहीं, फोड़ के दिखाओ, इसे भुक्के मारो उसमें। अरे बहुत कच्चा है, नहीं होगा। उधर जाके दिखाते, ए वो ही लगेगा, वो कच्चा है इसलिए। गाइस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला कच्चा है, थोड़ा पकने के बाद ही ये वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी इसको खा नहीं पाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, इसका अनबॉक्सिंग कुछ दिनों के बाद करने वाला हूँ, क्योंकि अभी ये वाला कच्चा रहने के बाद बावजूद इसको खा नहीं पाएंगे। तो फिर धरती माता जी माफ कर दीजिए, कच्चा आ गया, मेरा मुंह भी थोड़ा थोड़ा चिपचिपालू हो गया अभी। फोकस कर पा रहे हो क्या? ये मस्त नजारा पे अभी आ गए। ये देखो किस जगह पे आ गए हम, देख ही पा रहे हो?
क्या सुनहरे जगह है यहाँ पे। मूंगफली का इधर भी बहुत सारे पेड़ हैं और इधर फूल भी दिखाया जाता है और फूल के साथ सांड भी दिखाई देता है। खेत का ओनर आ गया। खेत का ओनर आ गया, अभी मारेगा हमको। बच्चे 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 आप कैसे कैसे मूंगफली हेलो कौन बोला लगले कौन बोला लगले आवाज नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रहा बोल की रहा आवाज तो नहीं थी लोग रात आने ही खुले ओरिजिनल मोर के पंख मिल गया मुझे देखो मोर है मोर नहीं क्या करा लगले कितना अच्छा दिखाई दे रहा तेरा वीडियो पाठवतो की डान्स बक्की बक राडात केला गाडे ते रात्री हे एक आहे तू मस्त या दम लेशे वट बसते की रे बाय घर जायचे पार था जाओ पार त्याला काय नाचता येत नाही काय नाही पार त्या फक्त सण शेवटला नाचत होता लास्ट ते लास्ट ते मरते दोस्त। हम लोग घूम घुमा के अभी फिलहाल घर की ओर रवाना कर रहे हैं। भैया के वहाँ पे आए थे और इतना अच्छा फूल ये कौन सा फूल है मालूम तो नहीं पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलो भाई लोग हम लोग अभी जाने का टाइम हो गया। आप लोग अगर महाराष्ट्र पे रहते हो तो फिर इस जगह पे कभी कभार आप लोगों को टाइम मिला तो ज़रूर घूमने के लिए आइए। बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। सुकून का ज़िंदगी बोले से इधर ही है। और हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, हम लोग जिस जगह पे रहते हैं तो फिर उस जगह का तो आदत रहता ही है। तो फिर अपना गाँव तो बेस्ट ही रहता है, फिर भी मतलब हम लोगों को दिल को मतलब वो सुकून मिलता है। हम लोग अगर किसी नए जगह पे जाते तो पिछले बार भी एक शायरी बनाया था ठीक है, तो फिर वो वाला शायरी इस पेड़ के ये वाला जो पेड़ है ना उसके नीचे ही बनाया था शायरी, अभी भी मुझे याद है। आप लोगों को सुनना है तो मेरा इंस्टाग्राम पे जाके आप लोगों को वो आप सुन सकते हो। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा आप लोगों को, तो फिर आप लोग वहाँ से सुन सकते हो। और मुझे सबसे अच्छा आज एक गिफ्ट मिला है बोलने से, ये मोर का पंख देखो कितना सुंदर है। माजा माजा ब्लॉग हाँ दो 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 क्या बोलो क्या बोलो नमस्कार दो नमस्कार भाव भावन मी चाल लो ये सिद्धार्थ नहीं 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 अभी यहाँ पे ठंडे ठंडे नाले के पानी भी है जो यहाँ से जो यहाँ पे है वो पहाड़ से आता है, मतलब बहुत ही ठंडे वाला। ये थोड़ा बरसात के टाइम पे ये वाला बड़ा दिखने के लिए मिलता है, अभी तो ये ठंडा सीजन चल रहा है ना, विंटर सीजन चल रहा है तो फिर इसीलिए वो कम है। तो फिर यहाँ पे अगर बड़े बड़े मच्छी भी मिलते हैं, मतलब जो मछली ओके तालाब में मिलते हैं ना वैसे नहीं, वो जो सागर में भी नहीं बोल सकते, अभी जो नदी में मिलने वाला जितने भी मछली रहता है सब इधर ही मिल जाता है। अभी ये पार्थ महाशय है, ये गुंडिया बाबू है। नजर में खाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा। आज प्राकृतिक ने मुझे एक गिफ्ट दिया है ये वाला,
कितना सुंदर देखिए, अभी दुर्गा माता बन जाएगा। हीरो लग रहे, देखो हीरो है हम, हीरो है हम, उल्टा हो गया इधर से।